स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर आज बात करने वाले हैं वाइब्रेशन इन बीम्स। बेसिकली यह वाइब्रेशन इन बीम्स की बात करें तो ये डिफ्लेक्शन ऑफ बीम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जो आप पढ़े थे, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जो पढ़े थे, कॉन्सेप्ट वही है। बट हाउ डज वाइब्रेशन टेक्स प्लेस, हालांकि यह टॉपिक थोड़ा सा मैथमेटिकल है, बट मैथमेटिक्स समझाने के पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका एनिमेशन दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले वाइब्रेशन समझें। अब वाइब्रेशन आप पूरी तरह से समझ चुके हैं कि आपके पास एक कहीं ढोल बज रहा हो तो भी वाइब्रेशन है, और जब आप स्प्रिंग, मास और डैम्पर सिस्टम को पढ़े थे तो वह भी वाइब्रेशन का ही कॉन्सेप्ट है। और यही वाइब्रेशन का कॉन्सेप्ट अब बीम में कैसे लगेगा, इवन हमने आपको बताया था कि जहाँ पर आपका हार्ट बीट चलता है वह भी एक वाइब्रेशन है, और आपके अंदर एक पॉजिटिव वाइब्रेशन, दैट मीन्स कि माइंड में एक कॉस्मिक वाइब्रेशन जो चलता है वह भी वाइब्रेशन है। लेकिन इस वाइब्रेशन का एप्लीकेशन बीम में कैसे होता है, अब बीम के टाइप्स हम यहाँ नहीं बताने जा रहे हैं, क्योंकि बीम का टाइप्स आप देखेंगे तो सिंपली सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर बीम, जो है जो भी आपके दिमाग में बीम हो, हर एक बीम में वाइब्रेशन होता है। क्योंकि बीम क्या है, इज इटसेल्फ ए इलास्टिक एलिमेंट्स। तो अब देखिए, अब चूंकि मैकेनिकल वाइब्रेशन हमारा टॉपिक है तो हम मैकेनिकल वाइब्रेशन पे बात कर लें। तो मैकेनिकल वाइब्रेशन में शाफ्ट इज बीइंग ट्रीटेड एज ए बीम। किसी भी मशीन के अंदर यदि शाफ्ट लगा हुआ है तो उस शाफ्ट को हम एज ए बीम ट्रीट करते हैं, ठीक है ना। अब आप देख सकते हैं कि ये बीम के ऊपर किस तरह से लोड है और किस तरह से इसके अंदर डिफ्लेक्शन हो रहा है, इसको हम लोग देखेंगे। पहले हम ध्यान दें कि फिर से एक बार हम बात कर लेंगे आपके लिए कि जिस तरह से मास, स्प्रिंग एंड डैम्पर, ठीक है, एक जो है वाइब्रेटिंग एलिमेंट का जो है इंटीग्रेशन था। क्योंकि ये तीन इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, कौन कौन से, मास, स्प्रिंग एंड डैम्पर। अब देखिए यहाँ पर यदि वाइब्रेशन की बात करेंगे तो ये लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन है। कौन सा वाइब्रेशन है दोस्त, लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन, ऊपर नीचे कर रहा है कि नहीं, ठीक ना। जस्ट इसके पीछे हमने टोर्सनल ट्विस्टिंग वाइब्रेशन देखा था, और यहाँ भी देख सकते हैं ये ट्विस्टिंग वाइब्रेशन, टोर्सनल वाइब्रेशन जिसको बोलते हैं, और ट्रांसवर्स वाइब्रेशन देखिए, परपेंडिकुलर टू दी एक्सिस। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिए, क्योंकि अभी हम न्यूमेरिकल और मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट आपको बताने वाले हैं जस्ट 5 मिनट के बाद। शुरू के 5 मिनट में हम ये एनिमेशन दिखा करके आपका कॉन्सेप्ट बेसिकली क्लियर करना चाहते हैं। दीज आर दी कॉन्सेप्ट ऑफ दी वाइब्रेशन, ये किस तरह से जो है इवन हवा में भी लहर रहा है तो इसके अंदर डिफ्लेक्शन आ रहा है। और आप कभी जो है बचपन में झूला झूले होंगे इस तरह के बीम पे, हम लोगों ने तो काफ़ी आनंद लिया है बचपन का, क्योंकि चूंकि उस समय ना जी था, ना 2G था, ना 3G, 4G, 5G कुछ नहीं था। तो हम लोग के पास समय समय ही रहता था, पूरा का पूरा समय रहता था गाँव में खेलने के लिए। लेकिन आज के बच्चों के पास जो है 4G और 5G और 6G और लो जी 2G समय ही नहीं है खेलने के लिए उतना ज़्यादा। तो बाय दी वे, बट ये आप फील यदि किए हों तो अच्छी बात है, बट जो है कई सारे सॉफ्टवेयर है जहाँ पे आप लोड लगाएंगे तो आपको वाइब्रेशन देखने मिल जाएगा, फील करने मिल जाएगा। अब मशीन के अंदर, अब ये भी तो जो शाफ्ट है एक तरह से क्या है, बीम है, ठीक है ना, कनेक्टिंग रॉड है, या ब्रिज, ब्रिज के अंदर आप देखें होंगे कितना बीम्स जो है लगा होता है, ठीक ना। जो है टर्बाइन के शाफ्ट आप देखिए, ठीक ना, कि किस तरह से जो है टर्बाइन और लो टर्बाइन ब्लेड और जनरेटर्स इसी के ऊपर माउंटेड होते हैं। और इसके ऊपर जो हम लोग आने वाले समय में पढ़ेंगे कि मल्टी डिस्क जो है बीम्स विथ सेवरल मासेस, मल्टी डिस्क बीम, तो उसका भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक ना। तो दीज आर दी कॉन्सेप्ट ऑफ वाइब्रेशन, हाउ दी, आप कभी फील कीजिएगा किसी ब्रिज के किनारे, जो थोड़ा सा लंबा चौड़ा ब्रिज हो उसके किनारे खड़ा हो जाइएगा, और कोई ट्रक जा रहा हो उसमें आप फील कर सकते हैं कि ब्रिज के अंदर कितना वाइब्रेशन है, ब्रिज कितना स्ट्रांग है। यदि वाइब्रेशन ज़्यादा हो रहा है आप समझिएगा कि ब्रिज जो है अब वीकर सेक्शन में जा रहा है, वीक हो चुका है। लेकिन यदि वाइब्रेशन अच्छा खासा इलास्टिक है, ठीक ना, तो देयर इज स्ट्रांग ब्रिज, ठीक है, दैट यू कैन ऑब्जर्व, दैट यू कैन फील। ट्रांसवर्स वाइब्रेशन की बात करें तो ट्रांसवर्स वाइब्रेशन आप इस तरह से देख सकते हैं, ये तो जो है ट्रांसवर्स वाइब्रेशन भी है, टोर्सनल वाइब्रेशन भी है, ट्विस्टिंग मोमेंट भी यहाँ पर लग रहा है आप देखेंगे तो ट्रांसवर्स वाइब्रेशन, दैट मीन्स की वाइब्रेशन
अलोंग परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द बीम। तो ये एक्सिस ऑफ बीम है, इस डायरेक्शन में यदि लग रहा है, आप ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा सा हम दिखाने की कोशिश करते हैं। यदि इस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में एक्सिस के अलोंग, यदि एक्सिस के अलोंग लग रहा है तो क्या हो गया, लॉन्गिट्यूडनल। लेकिन एक्सिस के जब परपेंडिकुलर लगेगा, ध्यान दीजिए आप, एक्सिस के परपेंडिकुलर, ठीक है ना, एक्सिस के परपेंडिकुलर लग रहा है, ठीक है ना, तो ये क्या हो गया हमारा, ट्रांसवर्स वाइब्रेशन। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए आपका कैंटिलीवर बीम है, कैंटिलीवर बीम विदाउट डैम्पिंग, इसमें कोई डैम्पर नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है ना, और हालांकि ये आइडियल कंडीशंस है। उसी तरह से आप कनेक्टिंग रॉड देख सकते हैं मल्टी सिलेंडर इंजन में, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ सिलेंडर काउंट करेंगे तो ज़्यादा आएगा, ठीक ना, बट इनके ऊपर लोड तो लगेगा। तो दीज आर दी कास्टेड साफ्ट मटेरियल। तो यहाँ पर जो है ट्रांसवर्स वाइब्रेशन हो या टॉर्सनल वाइब्रेशन हो, दोनों यहाँ पर लगता है, और इसके लिए यहाँ पर इसको बहुत क्रिटिकली डिजाइन किया जाता है। वाइब्रेशन जो है कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा उसी डायरेक्शन में लगे, इस डायरेक्शन में भी लग सकता है, ये वर्टिकल बीम में। अभी हम हॉरिजॉन्टल बीम का देखे थे, देखिए ये हॉरिजॉन्टल बीम के ऊपर डिस्क रखा हुआ है। तो यहीं पर हमने आपको क्रिटिकल स्पीड ऑफ द शाफ्ट भी पढ़ाया था, ठीक है ना, क्रिटिकल डैम्पिंग भी पढ़ाए थे, ठीक ना, तो ये सब बियरिंग है, ठीक ना, तो ये एक तरह से बीम के तरह जो है ट्रीट होता है क्या, शाफ्ट, और उसके अंदर जो वाइब्रेशन जनरेट होता है कुछ इस तरह से जनरेट होता है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसको अभी हम मैथमेटिकली कुछ एनालिसिस करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। टॉर्सनल वाइब्रेशन देखिए, अभी हम ये क्रैंक शाफ्ट बता रहे थे, तो किस तरह से क्रैंक शाफ्ट हमने आपको बताया, उसी तरह से यहाँ पे ट्विस्टिंग मोमेंट आप पढ़े होंगे बचपन में, ठीक है ना, दीज आर दी फिनोमेना ऑफ दी ट्विस्टिंग मोमेंट। तो यहाँ पर जैसे देखिए डैम्पर स्प्रिंग लगा हुआ है, नॉर्मल स्प्रिंग नहीं है, डैम्पर स्प्रिंग है। ये कौन सा स्प्रिंग है जो बचपन में आप पढ़े थे कि जितनी चाबी भरी है राम जी उतनी चले खिलौना, तो वहाँ भी ट्विस्टिंग मोमेंट लगता है, टॉर्सनल वाइब्रेशन वहाँ भी जनरेट होता है, बाद बाकी यहाँ भी जो जनरेट हो रहा है, ठीक है ना। एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, ये मैं इसलिए दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये आपके माइंड में जो है फिजिकली जो है वो चीज बैठे, वो चीज कॉन्सेप्ट आए, ठीक ना, और कोई मेरा औचित्य नहीं है। अभी हम न्यूमेरिकली जो है मैथमेटिकल भी आपको, अभी ये आधे एक घंटे का वीडियो जाएगा, उसमें मैं आपको बीम्स विद सेवरल मासेस एंड बीम्स विद सिंगल मास एंड कैंटिलीवर बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम, ये सारी चीज़ें हम समझाने की कोशिश। बिल्डिंग में बड़ी बड़ी बीमें होती हैं, अर्थक्वेक को रेजिस्ट करने के लिए बीम्स की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी है। तो कोई बीम बड़े बड़े मल्टी बिल्डिंग्स जो है, मल्टीप्लेक्स जो है, वो सेफ तभी तक है जब उनकी बीम्स जो है फ्लेक्सिबिलिटी क्राइटेरिया को जो है पालन करता है। अदरवाइज व्हाट विल हैपन कि यदि इलास्टिक बीम नहीं रहेगा तो इट विल मे बी डेंजरस, ठीक ना, इलास्टिक होना चाहिए। दैट मीन्स इलास्टिक का मतलब क्या होता है कि एक सर्टेन डिफ्लेक्शन के बाद वो पुनः जो है अपने ओरिजिनल पोजिशन पे, इक्विलिब्रियम पोजिशन पे आ जाए, ठीक ना। अब यदि मैकेनिकल की बात करें, इस तरह की आप मशीन देखे होंगे। अब देखिए ये एक प्लेट है, ये प्लेट भी क्या कर रहा है, एक तरह से बीम की तरह काम कर रहा है। देखिए यहाँ पर ये कैंटिलीवर बीम की तरह काम कर रहा है, यहाँ पर लोड है और इधर लोड नहीं है, यहाँ पर ये फिक्स्ड है, ठीक ना, ये कैंटिलीवर बीम की तरह काम कर रहा है दोस्तों। लास्ट में कुछ ये देख लीजिए, जैसे विंड टर्बाइन आप देखे होंगे, तो ये भी क्या है, बीम है, हर तरह का जो है ये लोड बियर कर रहा है, ठीक ना, यहाँ पे जो लोड लगा है, और ट्विस्टिंग मोमेंट भी, जो ब्लेड जहाँ पे लगा हुआ है वो ट्विस्टिंग, लॉन्गिट्यूडनल एंड टॉर्सनल तीनों लग रहा है, टॉर्सनल, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स। और ये जो शाफ्ट देख रहे हैं, ठीक ना, ये कौन सा आपका ट्रांसवर्स लोड एंड लॉन्गिट्यूडनल दोनों बियर कर रहा है, ठीक ना, ये कोई एक स्ट्रक्चर हमने दिखाया है कि किस तरह से जो है फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है। बीम के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी तो जो है दिक्कत हो सकती है। तो फिर हम ये वाइब्रेशन का जो है रीजन अनबैलेंसिंग बताए थे जो आपको पिछले एक आध वीडियो में। तो बेसिकली क्या होता है कि सेंटर ऑफ द रोटेशन एंड सेंटर ऑफ द मास ऑफ द डिस्क शुड बी कॉन्साइड, जब तक कॉन्साइड रहेगा तब तक ये स्टेबल कंडीशन में रहेगा। जैसे ही डिस्टेंस उसके अंदर आ जाएगा, ठीक है, जिसको इसेंट्रिसिटी बोलते हैं, डिफ्लेक्शन बोलते हैं, तब वहाँ पर वाइब्रेशन जनरेट शुरू होता है। जैसे कहीं जेसीबी मशीन देखते हैं, रोबोट मशीन देखते हैं,
इसके अंदर जो ये स्ट्रक्चर लगे हुए हैं ये भी एक तरह से बीम की तरह ही तो ट्रीट हो रहे हैं, ठीक है। ये भी क्या है, बीम ही है, मशीन का कंपोनेंट उठाया लगाया, इसके ऊपर लोड लग रहा है कि नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये टोर्सनल हो सकता है, लॉन्गिट्यूडनल हो सकता है, ट्रांसवर्स भी हो सकता है, तो दैट विल डिपेंड। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए, ये आपका ट्रांसवर्स वाइब्रेशन है और ये लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन है, ठीक है। और जो है ट्विस्ट यदि करेगा यही क्या हो जाएगा, टोर्सनल वाइब्रेशन हो जाएगा। अब हम लोग कुछ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट जो है देखने की कोशिश करेंगे, किसका, ट्रांसवर्स ऑफ द ट्रांसवर्स वाइब्रेशन इन बीम, टोर्सनल वाइब्रेशन इन बीम एंड मोर ओवर द लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन ऑफ द बीम फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम एंड नॉट ओनली सिंपली सपोर्टेड बीम, नॉट फॉर द सिंगल डिस्क बट मल्टीपल डिस्क बीम्स विद सेवरल मासेस, इसका मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन देखते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने बीम के काफी सारे कॉन्सेप्ट देखे। बीम के कॉन्सेप्ट में हमने आपको हर एक चीज वह बता दिया और एनिमेशन के हेल्प से सब कुछ दिखा दिया। अब यहां पर जरूरत है थोड़ा सा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ने का। कौन सा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जो आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, ठीक है ना, कहीं पढ़ चुके हैं, या थ्योरी ऑफ मशीन में पढ़ चुके हैं, या मैकेनिक्स में पढ़ चुके हैं, और हमें वाइब्रेशन में जो है उसकी जरूरत पड़ने वाली है। सबसे पहले तो आप देखें टाइप्स ऑफ द बीम में आप पढ़े होंगे दोस्तों। एक तो सिंपली सपोर्टेड बीम आप पढ़े होंगे, ठीक ना, कैंटिलीवर बीम पढ़े होंगे, कैंटिलीवर बीम पढ़े होंगे, और कंटिन्यूअसली सपोर्टेड बीम भी आप पढ़े होंगे। इन सारे बीम की जरूरत हमें पड़ने वाली है। अब जैसे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझिए कि जैसे ये आपका बीम है, ठीक है, ये बीम है कौन सा, सिंपली सपोर्टेड बीम। कोई भी बीम हो सकता है, कोई भी कंडीशन हो सकता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि डायरेक्ट जो है फॉर्मूला आपका बनेगा के अपॉन डेल्टा, ठीक है ना। डेल्टा अभी के हम नहीं बता रहे हैं, के बाद में बताएंगे। डेल्टा क्या है, डिफ्लेक्शन। तो डिफ्लेक्शन निकालते आना चाहिए, डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। हालांकि मैं एक स्पेशल वीडियो में डिफ्लेक्शन वाला निकाल करके दे दूंगा फिर आपको याद रखने के लिए, लेकिन फिर भी बेसिक कॉन्सेप्ट समझिएगा। आज मैं यही बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं। अब ये सिंपली सपोर्टेड बीम है आपका, ठीक है। अब इसके ऊपर आप क्या कर रहे हैं, लोड अप्लाई कर रहे हैं। जब लोड अप्लाई करेंगे तो बेसिकली ये जो है डिफ्लेक्ट होने की कोशिश करेगा। कैसे डिफ्लेक्ट होगा, कुछ ऐसा जो है ये डिफ्लेक्ट होगा ऐसे, ठीक है, और ये डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है, ये डिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है। अब ये जो डिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है ना, ये मान लीजिए कि किसी भी पॉइंट पे ये जो है एक डिस्टेंस जो डिफ्लेक्ट हुआ हुआ है आपका वाई, ठीक है। ये छोटा सा पोर्शन यदि हम यहां दिखाएं, ठीक है ना, ये छोटा सा पोर्शन ही हम दिखाएं यहां पर, ये वाली पोर्शन, ठीक है ना, ये पोर्शन, तो ये क्या है, कर्व है कि नहीं, कर्व है ना। तो इसका कोई ना कोई सेंटर भी होगा, और इसका कुछ ऐसा आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ा था। अब ये एंगल थीटा आर्क बनेगा कि नहीं, ये आर्क बन गया, और ये थीटा चूंकि ज्यादा हो जाएगा तो इसको हम डी थीटा मान लेते हैं। ये थीटा पे डी थीटा एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं। और यहां पर आप देखेंगे, यहां पर आप ध्यान देंगे कि यहां पर डिफ्लेक्शन जो हुआ ये आपका कौन सा न्यूट्रल एक्सिस होता था, न्यूट्रल लेयर, ठीक है, न्यूट्रल लेयर। और इसमें जो डिस्प्लेसमेंट हुआ और यहां से, तो ये जो एक्स डायरेक्शन में यहां से यहां तक कितना हुआ, डी एक्स, और वाई डायरेक्शन में यहां से यहां तक डिफ्लेक्शन कितना हुआ, डी वाई। यदि यहां डी थीटा है तो इसको भी थोड़ा सा मिला दें तो ये क्या हो जाएगा, डी थीटा। और यहां पर चूंकि थीटा बहुत स्मॉल क्वांटिटी है, ठीक है ना, तो आप टेन थीटा क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा क्या लिखेंगे आप, डी वाई अपान डी एक्स। थीटा यदि बहुत छोटा है तो टेन थीटा को आप लगभग थीटा लिख सकते हैं, ठीक है ना, ये आप डी एक्स डी वाई समझ गए। और ये क्या हो जाएगा आपका, डी वाई अपान डी एक्स, एक फॉर्मूला यहां निकल गया थीटा का। अच्छा, दूसरा आप क्या लिख सकते हैं, इसकी रेडियस कितनी होगी, कुछ रेडियस तो होगी, हालांकि ये इमेजिनरी पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। इसकी हम रेडियस मान लेते हैं आर, जिसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। आर क्या है,
रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर और यहां पर ये थीटा है, ठीक है ना, ये थीटा, तो ये स्मॉल डी थीटा और ये जो है बहुत छोटा है, तो इसको इक्विवेलेंट टू डी एक्स मान लें हम, तो क्या हो जाएगा आर डी एक्स, यही डी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आर डी एक्स हो जाएगा या नहीं, ठीक है। अब एक दूसरा इक्वेशन बना, एक तो ये यहां से आप निकाल लिए लीनियर डिफ्लेक्शन, वाई जो है वर्टिकल डिफ्लेक्शन है, ठीक है। अब यहां पर वन बाई आर हम लिखे, आर को इधर ले गए, तो ये क्या हो जाएगा वन अपन आर, सॉरी यहां पे उल्टा हो गया, आर डी थीटा होता है ना यहां पर, ये देखिए यहां पर यही होता है ना, ये यहां पर थीटा और ये डिस्टेंस कितना है एक्स, तो ये एक्स इक्वल टू क्या होता है आर थीटा, यह उल्टा हो गया आर यहां आएगा, तो डी एक्स इक्वल टू आर डी थीटा, तो वन अपन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा डी थीटा अपन इधर डी एक्स आ गया, ठीक है, यही इक्वेशन नंबर टू डी थीटा अपन डी एक्स। अब यहां पर थोड़ा सा समझिएगा, एक बीम थ्योरी का इक्वेशन आप पढ़े होंगे, किसका बीम थ्योरी का इक्वेशन पढ़े होंगे, इक्वेशन ऑफ मोमेंटम मोमेंट, तो ये एम अपन आई इक्वल टू क्या होता था ई बाई आर, ई बाई आर, ठीक है ना, तो एम अपन आई इक्वल टू ई बाई आर, एम क्या होता था बेंडिंग मोमेंट, ठीक है ना, आई क्या हो गया मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ द बीम, ठीक है ना, जो भी आपका बीम है, ई क्या हो गया मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना, और एम इक्वल टू आप निकालते थे ई आई अपन आर, ई आई को हम लोग क्या बोलते थे याद कीजिए मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ई आई को आप क्या बोलते थे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी याद है। अब ये सब कुछ याद है, सब कुछ धीरे धीरे याद आ जाएगा आपको, ठीक है ना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ऑफ वाइब्रेशन यहीं से निकल करके आएगा। अब m इक्वल टू ई आई अपन आर निकल करके आया, ठीक है ना, अब यही m इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं ई आई, तो रहने दीजिए वन बाई आर का क्या है डी थीटा अपन डी एक्स लिख सकते हैं, तो m इक्वल टू ई आई डी थीटा बाई डी एक्स। अब इसको हम कहीं रखेंगे, कहां पे रखेंगे अब देखते हैं थोड़ा सा कहां रख सकते हैं इसको रखें। उसके पहले ये जो हम देखें कि ये बीम जो है आपने डिफ्लेक्ट किया, कुछ लोड आपने लगाया ऑब्वियसली, जैसे लोड आप रिमूव करते हैं तो ये क्या होगा अपने पुराने पोजीशन पे आ जाएगा। पुराने पोजीशन पे क्यों आता है, क्योंकि इसके अंदर इलास्टिक एनर्जी है, क्योंकि स्ट्रेन एनर्जी है, स्ट्रेन एनर्जी में ये रीस्टोर हो जाता है, ठीक है ना। तो उसकी फॉर्मूला क्या होती है, स्ट्रेन एनर्जी की हम फॉर्मूला निकाल दें, ठीक है ना, स्ट्रेन एनर्जी। अब स्ट्रेन एनर्जी, ठीक है ना, स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है, स्ट्रेन एनर्जी का डिफिनेशन क्या होता है हाफ, ठीक है ना, और एम अपॉन आर डी एक्स, ये इक्वेशन होता है किसका स्ट्रेन एनर्जी का, याद रखिएगा स्ट्रेन एनर्जी की इक्वेशन होती है हाफ एम अपॉन आर डी एक्स। एम अपॉन आर का मतलब क्या है ध्यान दीजिएगा, तो एम अपॉन आर का ये वन बाई टू अपने जगह पर है, ठीक है ना, और m के जगह पर अभी हम लिखे हैं कुछ क्या लिखे हैं दोस्तों, देखिए तो e i d थीटा अपन डी एक्स लिखे हैं कि नहीं, तो e i क्या e i इंटू डी थीटा अपन डी एक्स और वन बाई आर आएगा, वन बाई आर के जगह d थीटा बाई डी एक्स फिर से लिखेंगे हम d थीटा बाई डी एक्स, ठीक है ना, और इंटू डी एक्स होगा या नहीं, ठीक है। अब देखिए यही d थीटा अपन डी एक्स को, ठीक है ना, यहां पर ध्यान दीजिए क्या लिखेंगे हम हाफ ई आई, ई आई हम चाहें तो बाहर भी निकाल सकते हैं ई आई, और ये d थीटा बाई डी एक्स, डी थीटा अपन डी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू डी एक्स। देखिए कई बार बच्चे यहां डी स्क्वायर थीटा लिख देते हैं, नहीं वो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब हाफ ई आई और डी थीटा बाई डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, देखिए तो यहां पर ये थीटा इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स लिखे हैं, तो यहां पर डी थीटा बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर होगा कि नहीं,
इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दिए, तो डी थीटा बाई डी एक्स को डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर रख देंगे, डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर को होल स्क्वायर, और ये डी एक्स ये निकल जाएगा। अब हमको मालूम है कि किसी भी बीम में, किसी भी बीम में विद द हेल्प ऑफ रिले मेथड, विद द हेल्प ऑफ रिले मेथड हम पढ़ा चुके हैं, ठीक ना, रिले मेथड के अकॉर्डिंग किसी भी बीम में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, और यहां पर पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या, स्ट्रेन एनर्जी, तो मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल, यही है ना रिले मेथड। तो यहां पर आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू रिले मेथड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, यहां पर स्ट्रेन एनर्जी है, ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। अब इसको क्या हो जाएगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा बीम का, हाफ डब्ल्यू एन का स्क्वायर नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ठीक ना, इंटू वाई स्क्वायर ऑफ डी एम, ठीक ना। अब ये वाई स्क्वायर अपन डी एम क्या जा रहा है, वाई क्या है डिफ्लेक्शन, डी एम क्या हो गया मोमेंट, ठीक है, और यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी अभी आप निकाले हैं, हाफ ई आई डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक ना। अब ओमेगा एन निकालना हो आपको, ओमेगा एन का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, इसको अब हाफ और हाफ कैंसिल हो गया, बाद बाकी तो सब इधर ही है, ई आई डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स अपन इधर इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर इंटू डी एम, ठीक ना। अब इसको डीएम क्या है, स्मॉल मास, ठीक ना, मास जैसे यहां पर आप ले रहे थे ये स्मॉल मास कितना है, ठीक ना, सेक्शन जो भी आप यहां कंसीडर करेंगे, जैसे यहां पर हम एक छोटा सा सेक्शन कंसीडर किए हैं कि नहीं, तो इसका स्मॉल मास, ठीक ना। तो यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर मास जो डीएम निकालेंगे, ठीक ना, वेयर वेयर डीएम दैट मीन्स कि क्या होगा स्मॉल मास, तो ये क्या हो जाएगा रो ए इंटू डी एक्स, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम ए डी एक्स हो गया, और ये क्या हो गया डेंसिटी, और ये वॉल्यूम, ठीक है ना। और इसी को आप लिख सकते हैं डी एम इक्वल टू ही एम इंटू डी एक्स, मास पर यूनिट लेंथ, ये क्या हो जाएगा एम, मास पर यूनिट लेंथ, तो पर यूनिट लेंथ का एम है, तो डी एक्स लेंथ का एम डी एक्स, तो इसको हम बोलेंगे जो है डी एम, ठीक है। तो बेसिकली दिस एक्सप्रेशन गिव्स द लोएस्ट नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द बीम, ठीक है ना, वाइब्रेशन ऑफ द बीम, तो बीम का जो है लोएस्ट फ्रीक्वेंसी होता है, तो दिस इज दी, इसको ऐसे लिख देते हैं, दिस गिव्स लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, और याद होगा आपको लोएस्ट फ्रीक्वेंसी को ही हम लोग फंडामेंटल मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी भी बोलते थे, ठीक ना। और ये ओमेगा, अभी हम आपको बताए थे कि रिले मेथड यूज करते हैं हम लोग, तो वही रिले मेथड जो है, इसीलिए ये ओमेगा एन स्क्वायर को ही हम लोग बोलते हैं रिले कॉन्स्टेंट, इज कॉल्ड रिले कोसेंट, रिले कोसेंट। तो ओमेगा एन स्क्वायर इज कॉल्ड रिले कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं बीम में। अब अच्छा ये देखिए, ये जो डिफ्लेक्शन हो रहा है ये आपका एक्सिस है, तो एक्सिस के परपेंडिकुलर डिफ्लेक्शन हो रहा है कि नहीं, ठीक ना, एक्सिस के परपेंडिकुलर डिफ्लेक्शन हो रहा है, तो परपेंडिकुलर जब डिफ्लेक्शन होता है तो इसको हम लोग ट्रांसवर्स बोलते हैं, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल और दूसरा होता है ट्रांसवर्स। तो ये बीम है आपका, ठीक है ना, ये बीम है, और बीम के यदि परपेंडिकुलर डिफ्लेक्शन हो रहा है तो इसको ट्रांसवर्स डिफ्लेक्शन बोलते थे, और यदि
अलोंग दी एक्सिस हो रहा है तो लॉन्गिट्यूडनल बोलते थे। लॉन्गिट्यूडनल कैसे होगा, यदि यही बीम ऐसे होता, ठीक ना, ये एक्सिस है और डिफ्लेक्शन यहां पर हो जाता नीचे की ओर, तो इसी को क्या बोलते थे, लॉन्गिट्यूडनल डिफ्लेक्शन, ठीक ना, और उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन। और इसको क्या बोलेंगे, अब ट्रांसवर्स हो रहा है तो इसको ट्रांसवर्स वाइब्रेशन लिख देते हैं, ठीक ना, क्या लिखेंगे, ट्रांसवर्स वाइब्रेशन, ठीक ना, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वाइब्रेशन ऑफ द बीम, ठीक ना, क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वाइब्रेशन इन द बीम, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक चीज आइए, थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़े और समझने की कोशिश करें। ये तो ट्रांसवर्स वाइब्रेशन हो गया बीम में, अब इसी बीम के ऊपर, ठीक ना, अभी तो सिंगल लोड लगाए थे, यदि आप मशीन में देखेंगे तो एक ही शाफ्ट है, ये शाफ्ट है, ठीक ना, शाफ्ट है मान लीजिए, और यहां पर सिंपली सपोर्टेड है और यहां भी आपका सिंपली सपोर्टेड है, इसके ऊपर कई सारा फ्लाईव्हील होता है, फ्लाईव्हील, कई सारा फ्लाईव्हील है, इस फ्लाईव्हील को एज ए हम वेट मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं दोस्त, वेट मान लेते हैं, मतलब आपका ये बीम हो गया और ये कुछ इस तरह का डिफ्लेक्शन हुआ, ठीक है ना, तो इस मास को हम मान लेते हैं कि कितना मास लग रहा है, W1 यहां पे, W2 और यहां पर W3, यहां पर डिफ्लेक्शन कितना हो गया, मान लीजिए ये आपका एक्सिस हो गया, तो एक्सिस से ये डिफ्लेक्शन कितना हो गया आपका वाई वन, इसको आप मान लीजिए y2 और इसको मान लेते हैं y3, ठीक है ना। कहने का मतलब है, इस टॉपिक की हेडिंग यदि हम बात करें तो बीम्स विथ सेवरल डिस्क, बीम्स हैविंग, ऐसे कर लीजिए, बीम्स हैविंग सेवरल डिस्क एट सम डिस्टेंस, एट सम डिस्टेंस, थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे कई सारा डिस्क है, ठीक ना, और इसी डिस्क, डिस्क मतलब पुली आप समझ लीजिए, जिसके ऊपर बेल्ट लगता है, कभी आटा चक्की आप कभी गए होंगे तो वहां देखे होंगे, एक शाफ्ट के ऊपर पुली लगा होता है, तो एक लगा होता है, यहां पर कई सारा लगा हुआ है, ठीक ना, ये मान लीजिए ए है और ये मान लीजिए बी है, ठीक है, तो ये आपका स्टेटिक डिफ्लेक्शन जो है वाई वन वाई टू वाई थ्री ये सब दिखा दिया। अब यदि ये y1, y2, y3 डिफ्लेक्शन है एंड सो ऑन, मान लीजिए n नंबर ऑफ डिस्क होगा तो ये क्या आ जाएगा आपका वाई एन तक जाएगा, ठीक ना। अब सपोज कीजिए कि ईच डिस्क है द फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी डब्ल्यू एन, ठीक ना, डब्ल्यू एन इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बीम, ठीक ना, यहां पर लिखना जरूरी है तभी हम समझ पाएंगे कि लेट लेट डब्ल्यू एन इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ बीम that it executes by that it executes harmonic vibration या motion जो भी आप बोल लें, ठीक है, तो ये harmonic motion इससे execute हो रहा है, ठीक है, तो अब harmonic motion execute हो रहा है, ठीक ना, तो maximum velocity of each disc कितना होगा, इसका कितना हो जाएगा एम डब्ल्यू वन, सॉरी डब्ल्यू वन, डब्ल्यू वन तो वेट है ना, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा जो हम ये डब्ल्यू लिख रहे हैं ये स्मॉल डब्ल्यू है, ठीक है ना, और ये कैपिटल डब्ल्यू है, कंफ्यूज कहीं भी मत होइएगा, ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ ईच डिस्क क्या लिखेंगे हम, वेलोसिटी ऑफ ईच डिस्क यदि हम लिखें तो यहां क्या हो जाएगा ओमेगा एन वाई वन, इसका क्या हो जाएगा ओमेगा एन वाई टू, उसी तरह से ये ओमेगा एन वाई थ्री, इसलिए हम इसको ओमेगा बोल रहे हैं, ध्यान दीजिए, और इसको डब्ल्यू बोल रहे हैं, ठीक है। अब जो है यहां पर भी हम कौन सा लगा देंगे, रिले मेथड, तो रिले मेथड क्या कहता है,
अगेन रिले मेथड अभी बताए थे कहीं पे, यही बताए थे ना कि अकॉर्डिंग टू रिले मेथड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एंड मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी की जगह पर क्या हो जाएगा आपका, पोटेंशियल एनर्जी की जगह पर यहाँ पर हो जाएगा स्ट्रेन एनर्जी। ठीक है, तो अब इसको हम काइनेटिक एनर्जी निकाल लें, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम जो काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, ठीक ना, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम तो क्या हो जाएगा, वन अपॉन मास होता है, ठीक है ना, हाफ एम वी स्क्वायर, तो एम के जगह पर मास के जगह पर क्या लिखेंगे, वेट अपॉन ग्रेविटी, तो ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन टू जी हाफ, ठीक ना, और यहां पर ये डब्ल्यू वन, और वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ओमेगा एन इंटू वाई वन का स्क्वायर, उसी तरह यहां पर वेट का टू का वेट और ओमेगा एन इंटू वाई टू का स्क्वायर प्लस वेट थ्री और ओमेगा एन इंटू वाई थ्री का स्क्वायर, इस तरह से ये निकाल सकते हैं कि नहीं सभी का, ठीक है ना, ये निकाल दिए, ठीक है ना। अब इसका फाइनल निकालेंगे यदि हम, तो क्या हो जाएगा, ये ओमेगा ये ओमेगा एन जो है सब में कॉमन जा रहा है कि नहीं, तो ओमेगा एन का स्क्वायर कॉमन आ गया अपन ये 2g और सम ऑफ, ठीक है ना, ये वेट वेट n वेयर n इक्वल टू n जो है 1 से लेकर के n तक जितना नंबर भी मास है उतना तक जाएगा, तो ओमेगा i इंटू वाई आई, यहाँ i इक्वल टू 1 से लेकर के n तक जो है, तो i का स्क्वायर यही है ना स्क्वायर, तो देखिए अब यहां लिख सकते हैं कि नहीं, तो ये आपका निकल गया क्या, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब एक बार काइनेटिक एनर्जी निकल गया तो आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल दीजिए, ठीक है ना, क्या निकाल सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, और वो भी क्या निकालना है आपको, मैक्सिमम ही, तो क्या हो जाएगा, हाफ और वेट वन का और सेकेंड का डिफ्लेक्स फर्स्ट का डिफ्लेक्शन प्लस हाफ डब्लू टू वाई टू प्लस हाफ डब्लू थ्री और वाई थ्री, यही होगा ना, यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई डाउट नहीं, दैट मीन्स कि इसको हम इन होल लिखना चाहें तो वन बाई डब्लू सॉरी वन बाई टू और आई इक्वल टू वन से लेकर के एन तक और डब्लू आई वाई आई, ठीक है ना, ये निकल जाएगा फ्रॉम, अब यहां पर हम लिख सकते हैं फ्रॉम रिले मेथड फ्रॉम रिले मेथड, रिले मेथड से आप क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी मैक्स इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी मैक्स लिखेंगे कि नहीं, अब इसको इक्वेट कर दीजिएगा आप, ठीक है ना, इक्वेट करेंगे तो देखिए तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कितना निकला है, यही निकला है ना, हाफ सम ऑफ वेट का आई वाई आई, यह आई इक्वल टू वन से एन तक गया है, और काइनेटिक एनर्जी कितना आया है, यही है ना काइनेटिक एनर्जी आपका, तो काइनेटिक एनर्जी हम लिखें, ठीक है ना, यही तो लिखना है आपको, काइनेटिक एनर्जी लिख दें, क्या है, ओमेगा एन का स्क्वायर, देखिए यहाँ पे ओमेगा एन का स्क्वायर अपॉन टू जी, ठीक है ना, और सम ऑफ ये डब्लू आई वाई आई का स्क्वायर आई इक्वल टू वन से लेकर के एन तक, ठीक है, इसी चीज को हमने यहां लिख दिया, ठीक है ना, अब यहां पे ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकाल दीजिए, ओमेगा एन का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, अब इसको हाफ और हाफ तो कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बचेगा क्या, सम ऑफ वेट का आई वाई आई अपन यहां पर जी जाएगा ऊपर, ठीक है, जी इंटू और यहां पर सम पे ये वेट का आई और वाई आई का स्क्वायर, ये वाई क्या है बेसिकली, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा वाई क्या है आपका डिफ्लेक्शन, ठीक है ना, वेयर, ठीक है ना, ये जी तो ग्रेविटेशनल जो है ग्रेविटी हो गया, ये डब्ल्यू आई क्या हो गया, वेट ऑफ रेस्पेक्टिव डिस्क, ठीक है, और
ये जो है आपका वाई आई, ठीक है ना, डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन ड्यू टू वेट डब्ल्यू आई, ठीक है ना। डब्ल्यू आई जिस पॉइंट पे लगा हुआ है, जहां पे हम लगाए हैं वहां पर कितना डिफ्लेक्शन है, तो वाई वन डब्ल्यू वन की जगह वाई वन, डब्ल्यू टू की जगह पर वाई टू, डब्ल्यू थ्री, तो यहां पर उस तरह से रखना है, ठीक है। तो इस तरह से बीम का, यदि कोई बीम में सिंगल मास लगा हो, सिंगल मास हो, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सिंगल मास में हम आपको इक्वेशन ऑफ मोमेंट जो है, मोमेंट इक्वेशन भी हम निकाल करके समझा दिए कि कैसे निकालते हैं। ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का एक तरह से रिवीजन हो गया, और हमने आपको स्ट्रेन एनर्जी समझा दिया कि कैसे निकालते हैं, ठीक है। और स्ट्रेन एनर्जी के बाद जो है यही बीम, बीम या जो है पिलर हो हमारे पास, ठीक है, तो जो भी हो, तो ये तो भी सिंगल मास था। यदि बहुत सारा मास्क यदि इसके ऊपर जो है लगा हुआ है, तब कैसे निकालते हैं, तब भी हम आपको बताए। अब कई बच्चे क्या इसमें मोमेंटम वगैरह लगाने लगते हैं, मोमेंट का भी मेथड सही है, लगा सकते हैं, बट दैट इज टू मच टफ, तो इसलिए जरूरी है कि आप ये मेथड वहां पर लगाइए मेरे हिसाब से, तो दैट इज मोर फ्रूटफुल, ठीक है। तो ये हमने काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी से इक्वेट कर दिया, और इक्वेट करने के बाद जो है अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने ये निकाल दिया, ठीक है। तो ये फाइनल आपका फॉर्मूला निकल गया, तो इसको याद रखिएगा। तो दो फॉर्मूला हमने यहां पर निकाला, ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बीम व्हेन इट इज लोडेड बाय सेवरल मासेस, एंड दिस इज द फ्रीक्वेंसी व्हेन देयर इज ट्रांसवर्स वाइब्रेशन इन द बीम लाइक दिस, ठीक है। तो अब मुझे लगता है कि ये अब पूरा आपको याद रहेगा, ठीक है। तो आज यहीं तक, फिर हम लोग मिलेंगे किसी नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और हमेशा मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।